हाँ जी, राम राम सा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने जगह कुशल मंगल होंगे। कैसे हैं आप सभी जी? जल्दी जल्दी से आ जाइएगा, वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। गुड इवनिंग मोनिका, नमस्ते, राम राम। अच्छे हैं, गुड जी। सरोज जी, नैनावत जी, बिल्कुल मॉडल पेपर आ गए हैं। मैं अभी आपको उसका कवर दिखा देती हूँ और साथ में ही अपना जो टेलीग्राम है उस पर भी मैं उसका कवर आपको बता दूंगी। राधे राधे उषा, हेलो सभी को। फटाफट आप लोग आ गए। आज हम पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव के क्या करेंगे बात करेंगे। थैंक यू बेटा। हाँ बाबू चौधरी आ गए हैं मॉडल टेस्ट पेपर। ये एक्चुअली शिवकांत, आज का ऐसा था पेपर जिसमें मुझे पहले थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझाना है, नया है, और उसके बाद हम, क्योंकि टॉपिक नया है, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जब तक मेरे हिसाब से मैं समझा नहीं पाऊंगी वो आप कर नहीं पाएंगे वहां पर, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये कह रहे थे क्लियर नहीं है। वैसे टॉपिक बहुत सरल है तो वो हम बात करेंगे, इसलिए मैंने बात की है। बांदीकुई में भी मिल जाएंगे। पहले तो ये अपनी रीट की संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो टेस्ट सीरीज है विद सॉल्यूशन, ये आपको मिल सकती है 249 रुपए के अंतर्गत, और इसमें जो क्वेश्चन है वो वहां पर उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत नहीं है या मॉडल टेस्ट पेपर में नहीं है। सबसे पहले तो ये बता दूं मैं आपको, ये रीट मेंस के लिए है जो आप ले सकते हैं ऐप में। ये अपना मॉडल टेस्ट पेपर है, आप ये देख सकते हैं इसके अंतर्गत, और आपको नजर आ जाएगा रीट का मॉडल टेस्ट पेपर है। इसमें टोटल 15 प्रश्न पत्र है या मॉडल टेस्ट पेपर है इसमें। और आपको अगर ऑनलाइन मंगवाना है तो यहाँ पर मैंने नंबर भी लिखे हुए हैं। आप जहाँ भी रह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको वहां पर अवेलेबल नहीं है बुक, तो आप अपने बुक सेलर को ये नंबर देकर इनसे मंगवा सकते हैं। संजू राठौड़, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ऑनलाइन क्लासेस 8 फरवरी से मैं आपकी शुरू करूंगी, ठीक है? ठीक है, वो बेटा 8 तारीख से शुरू हो चुकी होंगी आपकी 101%। ओके चलिए बात करते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया है, ये कवर पेज दिखा दिया है उसका, और आज चूंकि हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसलिए हमें यहाँ से क्या करना है, पढ़ना है। पहले हमें ये चीजें समझनी है, फिर हम आगे की बात करेंगे। बच्चों हमारा टॉपिक है वो है वाक्य रूपांतरण। एक कहें नया सा जुड़ा हुआ आपके लिए टॉपिक है, और आपके लिए काफी बच्चे कह रहे हैं कि कैसे क्लियर करें हम इसे। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पार्ट बताती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर से आप क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले वाक्य रूपांतरण के अंतर्गत बात करें, रचना के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो बच्चों रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं? 3 वाक्य हैं, राइट? और इसके अंतर्गत मैं शॉर्ट में आपको यहां पर बता रही हूं, एक हमारा होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य, और एक होता है मिश्र वाक्य। चूंकि ये तो हम लोगों ने रीट में भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, आपके अभी भी क्वेश्चंस इसके सही होते हैं, लेकिन वहां से इन्होंने एक रूप अलग दिया कि रूपांतरण आपको करना है वाक्य का। तो वाक्य रूपांतरण का मतलब क्या, आपको वो क्वेश्चन में पूछेगा या तो सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, या सीधा एक वाक्य देकर पूछेगा इसे मिश्र वाक्य में बदलो, या इसे सरल वाक्य में बदलो, या वहां देगा मिश्र वाक्य को सरल में, सरल को मिश्र में, मिश्र को संयुक्त में, संयुक्त को मिश्र में, यानी एक दूसरे से यहाँ पर आपको इसमें क्या करवाएगा, वो परिवर्तन कराएगा, उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य रूपांतरण, ठीक है?
ये आशीर्वाद शर्मा आप क्या बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा, और अब आप यहाँ से एक बार शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपके लिए सबसे बड़ी बात, सरल वाक्य में कोई योजक अव्यय शब्द नहीं होता। तो जहां कोई योजक शब्द नहीं होगा, यानी जो जोड़ने का कार्य नहीं करेगा, वो क्या होगा? आपका सरल वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत बात करें तो और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, इसलिए, अतः, ये कोई भी शब्द हो सकते हैं, है ना। ये आपको किस में मिलेंगे? जोड़ने में, संयुक्त वाक्य में। इसके अलावा या भी हो जाएगा, अथवा भी हो जाएगा, बहुत शब्द आपके यहाँ पर आ जाएंगे, सबको हम नहीं लिख सकते हैं, तो वहां से मैं ये इत्यादि हटा देती हूँ। तो मैंने फिर भी कुछ आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, अतः वगैरह, इसलिए ये भी यहाँ पर आएंगे। तो ये संयुक्त वाक्य के योजक। मिश्र में बात करें तो मिश्र के तीन पार्ट हो जाते हैं। आपको पता है इसके अंतर्गत एक तो आपका होता है संज्ञा आश्रित, चूंकि ये हमने पढ़ रखे, इसलिए मैं सीधा टू द पॉइंट आऊंगी आपको समझाने के लिए, जैसे आपको अच्छे से क्लियर भी हो जाए। एक होता है विशेषण आश्रित उपवाक्य, और एक होता है बच्चों क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और ये योजक शब्द ही हैं जो आपको क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। इसमें बात करें तो की होगा, विशेषण में जो, जब, जिसे, जहां, ऐसे शब्दों का आपको क्या मिल जाता है? प्रयोग। इसके अंतर्गत बात करें तो यदि, तो, क्योंकि, ताकि, तथा शब्दों की आवृत्ति। शब्दों की आवृत्ति, जब जब धर्म की हानि हुई तब तब, जैसे के साथ वैसे, जब के साथ तब, तो शब्दों की क्या मिल जाएगी आपको? आवृत्ति, है ना, यानी रूप मिल जाएगा आवर्ती वाला। ये पार्ट किसके अंतर्गत आएगा? क्रिया विशेषण में। अब देखो, जब आपको सरल से संयुक्त बताएगा तो आपको ध्यान रखना है उस वाक्य में इनमें से कोई ना कोई योजक शब्द होना जरूरी है। इनमें से कोई योजक शब्द होगा तो ही वो संयुक्त में बदलेगा। अगर आपको सरल से मिश्र में बदलवा रहा है तो इनमें से कोई ना कोई योजक शब्द होगा जो उस वाक्य के अंतर्गत जुड़ा हुआ होगा। जब हम बात करें यहाँ पर, इसमें मिश्र से सरल में बताएगा तो मिश्र वाक्य में आपको ये योजक शब्द मिलेंगे, लेकिन जब सरल में बदलोगे तो उस वाक्य में किसी भी योजक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये योजक शब्दों से आप आराम से वाक्य रूपांतरण का पता कर सकते हैं। सेकंड बात जो महत्वपूर्ण रहेगी, हो सकता है एक से अधिक वाक्य में आपको ये योजक शब्द मिल जाएं वहां पर, मतलब और के ही, मान लो उसने पूछा सरल से संयुक्त बनाओ, और संयुक्त के अंतर्गत दो उदाहरण आपको मिले या दो ऑप्शंस मिले जिनमें योजक शब्द संयुक्त के जुड़े हों। अब उत्तर तो कोई एक होगा, तो बच्चों वहां ध्यान रखना है जिस काल में वाक्य होगा उसी काल के अंदर ही आपका संयुक्त या मिश्र वाक्य परिवर्तित तो होना चाहिए। अगर आप उसको उसमें बदलोगे तब तो वो चीज सही हो जाएगी। अगर आपने काल का ध्यान नहीं रखा, यानी वर्तमान काल का वाक्य है तो वर्तमान में ही बदलोगे, भूतकाल का है तो भूतकाल में ही, वाक्य में गई थी है तो ही आप वहां पर गई है करोगे या जा चुकी है, मतलब काल का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, तब तो सही है, अदरवाइज चीजें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके अंतर्गत कि आपको ध्यान रखना है जिस भी वाक्य में आप, सॉरी, जिस भी वाक्य के अंदर आप दूसरे वाक्य को बदलोगे उसमें उन अव्यय शब्दों का क्या रखोगे ध्यान? कैसे ध्यान रखोगे? तो मैंने आपके लिए यहाँ पर बहुत से क्वेश्चंस लिए हैं। हाँ, ये पक्का है वो क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे नहीं, मतलब लिखे हुए,
तो यहाँ से हम एक 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 क्वेश्चंस पर क्या करेंगे, बात करेंगे और इस टॉपिक को हम पूर्ण रूपेण क्या कर लेंगे, क्लियर। बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कोई बात नहीं आप लेट आए हैं तो। ये आपकी प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी वाला जो चैनल है उस पर आपकी वीकली सुपर 30 जीके की टेस्ट सीरीज है जो ऐप पर होती है, आप दे सकते हैं। राजस्थान जीके टेस्ट है ये और रविवार को हो रहा है, हर रविवार को, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ये देखिए आपका पहला सेंटेंस, पहला सेंटेंस पर देखो, नीरजा प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि आखिर ये वाक्य कौन सा है, आपको पहले तो ये जानना चाहिए आखिर ये वाक्य कौन सा है, और इस वाक्य को जानने के बाद फिर आपको इस वाक्य को किस में बदलना है बच्चों, संयुक्त वाक्य में। मैंने चार ऑप्शंस दिए हैं आप लोगों को, तो जरा आप देखिए। बिल्कुल प्रियंका जी साफ साफ दिख रहा है, मुझे ही साफ दिख रहा है, मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है जहां से मैं देख पा रही हूं उसे, तो आप ये इसमें देख चुके हैं, तो अब आप बताइए। कनक जी बिल्कुल साफ दिख रहा है, हैप्पी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है कब कौन सी क्लास होगी, आप देखें कम्युनिटी के अंदर अपनी, और अब आप मेरे प्रश्नों का आंसर दो। डी आंसर आना शुरू हुआ है, बच्चे कह रहे हैं इसका आंसर डी होगा ये। चलिए अब बात करते हैं, देखो अब आपने कितना आसानी से दिया, जरा हम यहाँ अब देखते हैं। कुछ बच्चे सी भी बोल रहे हैं, यहाँ देखिए सबसे पहले नीरजा प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई क्योंकि, क्योंकि आते ही यानी अब आपको पता चल गया मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो, तो मिश्र को संयुक्त में बदल रहे हो। अगर हम संयुक्त के अंतर्गत बात करें, अरे इन्हें बताना साफ दिख रहा है या नहीं, प्लीज एक बार, आप लोग इतने लोग हैं तो एक बार प्लीज आप जल्दी जल्दी से बताइए कि आप लोगों को साफ दिख रहा है या नहीं, मुझे बहुत साफ दिख रहा है। यहां देखो अब आप लोग, अब संयुक्त, अब आपको संयुक्त के योजक शब्द याद होने चाहिए। अब इनके देखते जाओ किनको साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अब आप देख लो आपकी आंखें कहीं गड़बड़ हो रही है या नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो कैसे है वो अब आप देख लो, मुझे भी साफ दिख रहा है। देखो नीरजा अपनी हिंदी भाषा में सुधार करने प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई, इसमें तो कोई योजक शब्द ही नहीं है, ये तो सरल रूप हो गया। प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास नीरजा अपनी हिंदी भाषा में सुधार के लिए गई, ये भी अगर बात करें तो सरल रूप है, और देखो इसमें भी अलग अलग रूप है, यानी इसी वाक्य को अगर हमें सरल वाक्य में बदलवाना होता तो उसमें नीरजा से यहाँ से शुरुआत होती तो हम वहां पर बात कर पाते, ठीक है। फिर है प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास नीरजा इसलिए गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना था, शायद कई बच्चों ने इसलिए देख लिया यहाँ से। अरे आगे देखो इसलिए गई क्योंकि, क्योंकि से जुड़ रहा है ये तो मिश्र हो गया। नीरजा को अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है इसलिए वह प्रेम प्रकाश के पास गई, तो ये चीज इसके अंतर्गत सही है। ये देखो पास गई, काल पास गई और इसलिए ये है, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा आपका, चार नंबर। गिलास नीचे गिरा और टूट गया, वाक्य संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा, इस वाक्य का आपको संयुक्त वाक्य रूपांतरण क्या होगा ये आपको बताना है। यहां से थोड़ा सा गड़बड़ है, ये संयुक्त की बजाय मिश्र करना है, मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा, क्या होगा इसका मिश्र वाक्य रूपांतरण, संयुक्त तो ये ऑलरेडी है। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। आंसर आने शुरू हुए हैं, हाँ वाक्य संयुक्त है तभी तो करेक्शन मिश्र में किया है जी। बिल्कुल अगर हम बात करें, ये मिश्र वाक्य न होकर यहां पर वाक्य संयुक्त था,
इसलिए संयुक्त वाक्य का उदाहरण है जिसे हमें किस में बदलना था, मिश्र वाक्य में। तो गिलास नीचे गिरा और टूट गया, ये तो सेम टू सेम हो गया, गिलास नीचे गिरकर टूट गया। तो अगर हम बात करें ये इसका हो गया सरल वाक्य, टूट गया सेम टू सेम, और गिलास नीचे गिरकर टूट गया ये हो गया, गिलास नीचे गिरते ही टूट गया, ये काल में परिवर्तन हो गया, ही आ गया इसमें, तो ये हट गया, अदरवाइज ये सामान्य में था ही। अब यहाँ देखो, जैसे ही गिलास नीचे गिरा वह टूट गया, जैसे के साथ वह आ गया, इसका मतलब मिश्र कौन सा होगा आपका, डी नंबर, तो इसका आंसर होगा डी। बिल्कुल बहुत अच्छा आपने आंसर दे रहे हो, और अब के बाद ये पक्का है कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न, अंकित की कलम छूटकर गिर गई, वाक्य संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा, आपको संयुक्त इसमें लिख रखा है, यहां पर आपको संयुक्त वाला रूप बताना है। चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आंसर मेरे पास आने लग गए हैं। ये तो बच्चे ऐसे ही कहते थे हमें, आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। जब मैंने पढ़ाया ना, तो मैंने रेगुलर वाले बच्चों को, रीट वालों को ये नहीं पढ़ाया है ना, मैंने कहा क्या ही पढ़ना है आपको, ये जहाँ दिखे योजक शब्द आप कर लेना, फिर भी कहीं ना कहीं रहता है ना कि नहीं कराया, तो आखिर फिर लास्ट में मुझे उस करवा करके करना पड़ा। तो आप लोगों का ये टॉपिक बिल्कुल सरल है अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो, बिल्कुल आपका आंसर सही है। अंकित की कलम छूट कर गिर गई, ये कौन सा वाक्य है, सरल, इसका मतलब सरल वाक्य को आप किस में बदल रहे हैं, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। तो यहाँ तो कोई योजक है ही नहीं, तो ये तो गए। यहाँ देखो और है, और यहाँ जैसे ही वह, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, मिश्र हो गया, तो ये तो मिश्र का रूप हो गया। अब देखो ये मिश्र है, मिश्र से सरल उल्टा हो जाएगा, अंकित की कलम छूटी और गिर गई, तो इसका मतलब ये यहाँ पर कैसा हो गया आपका, संयुक्त वाक्य, तो ये संयुक्त वाक्य है। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप इसे क्वेश्चन को कैसे कैसे क्लियर कर पाते हैं, यानी कौन कौन सा रूप देख करके कितना पार्ट हो जाएगा। आगे देखो, पुष्प खिले, सभी प्रसन्न हो गए, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। ये भी गड़बड़ है, मिश्र में आपको बदलना है। एक्चुअली ये संयुक्त वाक्य ऑलरेडी है, और यहाँ पर जो है वो लोप किया हुआ है, कोमा लगा रखा है, इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया है, मिश्र आपको बताना है। अभी तक मैं आपके उत्तर नहीं मान रही हूँ, अब ये आपको बताना है आंसर। वेरी गुड, अब आप बताने लग गए। देखो ये तो सेम टू सेम ही है, हम योजक अव्यय शब्द की जगह कोमा लगा सकते हैं, तो वहां कोमा लगा हुआ है, तो ये चीज वही की वही है, तो ये तो सेम रूप आया, बस मैंने कोमा हटाकर और लिखा है। जैसे ही पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए, ये है मिश्र का, तो इसका मतलब आंसर कौन सा है, बी। सुमेश ने फुटबॉल खेला और चला गया, वाक्य का सरल वाक्य है, देखो जरा। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, इसमें कोई वाचक शब्द योजक है नहीं सभी में। अब कुको ये इतनी बार तो मैसेज कर रहा है, उससे बढ़िया बेटा एक बार इनको देख ले, वो मैंने कह दिया कि जिस दिन वाच्य होगा उस दिन आपको पता है, मैंने पूरा डाल रखा है आपके पास, अभी इसके ऊपर दोगे ध्यान तो ज्यादा बेटर है। सी और बी और डी, यहाँ आंसर अलग अलग भी आ रहा है, देख लो अब आप लोग।
सी है, बी है, डी है, कुछ कह रहे हैं सी होगा पक्का। जो बच्चे अब आप ध्यान से पढ़ रहे हो, दो जा चुके हैं सरल वाक्य के उदाहरण, मैंने बताए हैं जो आपको जी। चलिए बात करते हैं, सुमेश ने फुटबॉल खेला और चला गया, और यानी ये संयुक्त वाक्य है। इसका मतलब संयुक्त वाक्य को किस में बदलवा रहा है, सरल वाक्य में। अब बाकी में योजक शब्द होते तो हम एक को आराम से पकड़ लेते, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि योजक शब्द किसी में नहीं है। देखो सबसे पहले खेलते खेलते चला गया नहीं होगा, आवर्ती नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है सुमेश फुटबॉल का खेल खेलकर, या फुटबॉल का खेल खेलकर है ही नहीं, जैसा सेंटेंस में शब्दों का प्रयोग है वैसा ही। इस खेल की एक और आवर्ती होने की वजह से ये चीज गलत हो गई है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही रूप है। तो यह सुमेश फुटबॉल खेल कर चला गया, तो खेल कर चला गया, ये कर क्रिया रूप में है, तो खेल कर चला गया, तो आंसर क्या होता, तीन नंबर। खेलते ही नहीं, जैसा सेंटेंस है उसके हिसाब से अपना क्या देना है, आंसर। तो आंसर क्या होगा, सी। और दूसरी बात, ताते ती आ गया, वहां पर वो रूप ही नहीं है, खेला भूतकाल है, या खेलते ही अगर कोई डी सोच रहा है तो हट गया। काल का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कर वाला रूप यहाँ पर आएगा, वो प्रिंटिंग में डबल था, ये तो बनाया ही गया है खेल खेल कर वाला, तो खेल कर चला गया। समझ में आ गई बात, तो वो कर वहां से मैंने हटा दिया है, इसे आंसर इसमें क्या होगा, सी होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। आगे देखो, लाभदायक कार्य करो, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। सोच समझ करके आंसर देना है। निर्मला इतना ज्ञान नहीं लगाते है ना, आपके जो आगे से पेपर आते हैं मिस्टेक उसमें भी हो जाती है। कह रहे मिस्टेक पहले से हटा दिया करो बेटा, जब पेपर बन जाता है ना हमसे इतने टाइम में, वो ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बच्चे बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत ज्यादा मैसेज पढ़ते हो, बहुत वो चीज नहीं चाहिए, पढ़ना है तो पढ़ लो। वेरी गुड, लगभग का आंसर बी आ रहा है, कुछ एक दो बच्चे कह रहे हैं डी इसके अंतर्गत होगा। ओके, बी बी बी, फिर डी पर भी आ गए। देखिए चलिए बात करते हैं, लाभदायक कार्य करो, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण करना है, इसमें तो है ही नहीं, और लाभ वाला कार्य करो ये भी नहीं है, क्यों, योजक नहीं है। अब एक है ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो, एक तो ये है, और ये कह रहा है लाभदायक कार्य करो, तो वही कार्य करो जो लाभदायक हो। अब इसमें लाभदायक है, मैंने अभी भी आपको समझाया कि आपको सेंटेंस देखना है। डी वाले बच्चों, इसमें लाभदायक की बजाय सिर्फ क्या लिखा हुआ है, लाभ, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, बी, ना कि डी। बहुत से बच्चे यहाँ पर डी बताते हैं। हाँ, वाक्य रूपांतरण बिल्कुल सरल है, लेकिन आपको ऐसा लगता है पता ही नहीं क्या ही है। जय हिंद धर्मेंद्र, जय हिंद बेटा, जय हिंद। आगे देखो, राधा दौड़कर मेरे पास आई, वाक्य का संयुक्त रूप है। पहले ये बताओ ये वाक्य कौन सा है, सरल संयुक्त मिश्र, और अब आप देखो इसका संयुक्त रूप। नहीं नहीं तो ये आपकी सोच है, नहीं होते, बहुत गलत होते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ, बिल्कुल सरल वाक्य है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत जगह कर कर का प्रयोग आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने देख लिया, राधा दौड़ी और मेरे पास आई, बिल्कुल यही इसका आंसर है।
ममता आई और चली गई, वाक्य का सरल रूप निम्न विकल्पों में से चुनो। आप आंसर दे रहे हैं डी ए, वेरी गुड। डी आंसर आप लोगों के आ चुके हैं, बिल्कुल बात करें। ये देखिए, जैसे ही ममता आई वह चली गई, तो ये तो हमने संयुक्त को किस में बदल दिया, मिश्र में। और ये पूछ कौन सा रहा है, सरल। और ये वाक्य कौन सा है, संयुक्त। तो ये संयुक्त का मिश्र है पहले वाला, तो ये रूप ही अलग हो गया। खड़े खड़े वैसे भी ये तो संयुक्त रूप आप योजक लगा रखे हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। सरल में फिर अपने आप ही ये बच गया, तो आंसर डी। कमाने वाला खाएगा, वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण आपको करना है। देखो, हेलो मिथिलेश, वेरी गुड। अब देखो आपने कितना ध्यान दिया है, खाएगा खाएगा यहाँ दोनों में, लेकिन यहाँ देखो ये है जैसे ही वह कमाएगा इसमें तब खाएगा, लेकिन जैसे नहीं तब से गलत हो गया। जो कमाएगा वह खाएगा, ये बिल्कुल सही है वाक्य के हिसाब से। आंसर कौन सा हो गया, तीन नंबर। जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए, वाक्य का संयुक्त रूप है। तो ये कौन से का वाक्य है, सरल संयुक्त मिश्र में से, और उसका संयुक्त रूप आपको अब बताना है। तो देख लो कौन सा है, ध्यान से आप आंसर बता दीजिएगा। हाँ, ये मिश्र वाक्य है, इसको संयुक्त में बदलना है। सोच समझ करके आंसर दीजिएगा। बी और डी दो आंसर हैं, सी भी आ गया। अरे सी तो कैसे आएगा भाई, जैसे आ रहा है वैसे ही, ये तो मिश्र रूप है। मिश्र का तो ये उदाहरण है ही, आपको तो संयुक्त में बदलना है। संयुक्त में आप दो जगह सोचते, एक ये है और एक ये है और। अब इनमें से एक आंसर आपको देखना है, अब बी और डी में से आपको देखना था। तो देखो यहाँ है, मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए, यह है मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और चले गए। अब इसमें पूरा सेंटेंस है, पूरा किया है काम और चले गए, तो इसका मतलब आंसर पहले कौन सा होगा, दो नंबर। वाक्य के हिसाब से आपको क्या देने हैं आंसर। ये ऑब्जेक्टिव पुस्तक वस्तुनिष्ठ व्याकरण की आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। अगला, धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए लोग पेड़ लगाते हैं। ये तो ये बताओ ये कौन सा वाक्य है, और इस वाक्य को फिर मिश्र वाक्य में बदलना है। तो पहले मुझे आप ये बताओगे ये वाक्य कौन सा है, फिर इसे मिश्र में बदलना है। नमस्ते एमके, हेलो हीरालाल, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। वेरी गुड, सरल वाक्य है बिल्कुल। अब इसे बदलो। हाँ वो यही है, वो पौधे तो लगाए जाते हैं, आप तो इसको बदल दो। आंसर मेरे पास आने लग गया है, बी बता रहे हैं।
सी भी बता रहे हैं, मुझे भी देखना ही पड़ेगा फिर तो भाई। लोग पेड़ लगाते हैं जिससे धरती को हरा भरा बना सके, ठीक है। लोग पेड़ लगाते हैं जो धरती को हरा भरा बनाए रखते हैं। ये डी वाले कैसे आ रहे हैं भाई? देखो सबसे पहली बात, ये लोग पेड़ लगाते हैं, तो लोग पेड़ लगाते हैं, लोग पेड़ लगाते हैं, ये तो सेम है दोनों में, तो इसका मतलब आगे का चेंज है। तो जिससे धरती को हरा भरा बना सके, तो हरा भरा बनाए रखने के लिए तो बना सके, और जो धरती को हरा भरा बनाए रखते हैं, तो ये गलत हो गया ना। बहुवचन रूप आप ले आए, इसका आंसर सी नहीं होगा, क्या होगा? बी होगा पहले इसका आंसर, ठीक है। आगे देखो, वे निर्धन जरूर थे पर बहुत ईमानदार थे। वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। ये तो सही होना चाहिए सभी का ही। वेरी गुड, बिल्कुल। वे निर्धन जरूर थे पर बहुत ईमानदार थे। इस वाक्य का आपको मिश्र में यद्यपि वे निर्धन थे, तथापि, यद्यपि, तथापि, यद्यपि के साथ तथापि, आवर्ती, आवर्ति का प्रयोग क्रिया विशेषण मिश्र में, तो ये क्रिया विशेषण जो रूप है यानी मिश्र वाक्य का उदाहरण है। दो नंबर, मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चलें को सरल वाक्य में बदलिए। देखें क्या बताते हैं आप लोग, आंसर जल्दी से बता दो। आपका आंसर आ गया है ए वाला, बता रहे हैं कुछ बच्चे तो। बहुत सोच समझ कर आंसर देना है, ए और डी। उषा कह रही है डी, ए, बी, ये सरल तो गड़बड़ कर सकते हैं इसका मतलब। आपको फिर भी संयुक्त और मिश्र नहीं करेंगे इस बार, डी और ए बहुत आ रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चलें, तो है तो ये मिश्र वाक्य और इसे आपको सरल में बदलना है। अब आप ये देखेंगे, ये इसलिए, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि सरल में तो होता ही नहीं है वो योजक शब्द। मुझे लगता है आज फिल्म देखने चलते हैं, तो ये वैसे ही काल ही परिवर्तित हो गया, तो ये भी गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चलें, एक तो ये है और एक है मेरा विचार आज फिल्म देखने का है, दो हैं। अब बी और सी तो गया, अब ए और डी में क्या है गड़बड़ है? निशा कह रही है मेरा तो ए ही होगा। हाँ आपका ए है, बहुत बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए हैं, मतलब ए और डी में जंग जारी है। अब यहाँ पर आप देखें, मेरा विचार आज फिल्म देखने का है और वो है मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चले, ये कह रहा है मेरे विचार से आज फिल्म देखने चले। देखो यहां अगर हम बात करें, मेरे विचार से आज फिल्म देखने चले ए, वैभव कह रहा है ए है नहीं है, ओके ठीक है।
चार एक वचन है। वाह बहुत। हाँ अब आप देखो दिमाग लगा रहे हो कि देखने चले, मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चले। एक वचन बहुवचन, चार एक वचन है ये कह रहे हैं और वो बहुवचन है। जल्दी बताओ, ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो गया, सांस रुकी है। ओहो तो यहाँ तो गड़बड़ तो हो रही है, ए ओ डी में, इसमें तो ए ही है, मैं देख रही हूँ। सही का ठप्पा लगा दो, डी ही होगा। सीनो अब डी वाले भी अपनी कमांड पर आ गए हैं कि ये ही होगा इसके अंतर्गत, तो डी ही। मैं देख रही हूँ आप क्या क्या देख रहे हैं। अच्छा रीट वाला मॉडल पेपर ले लिया आपने, वाह बहुत ही जल्दी आपने कर लिया काम, अपनी प्रति बुक करवा ली, बधाई हो आपको। चलिए मैं अब आपको आंसर बता देती हूँ। आप डी और ए वाले लगातार जंग जारी कर रहे हैं। ये एक ही क्वेश्चन आया मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ गड़बड़ हो रही है। सबसे पहले यहाँ देखो, ये कह रही है मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने के लिए चलते हैं, तो पहली बात वो बहुवचन नहीं है, वो एक वचन ही है, है ना। काल के अनुसार देखने के लिए चलते हैं, ठीक है। देखनी है वो अलग है, विचार है तो प्रकट किए जाते हैं, इसलिए बहुवचन रूप आप कह सकते हो, तो वो ठीक है। इस काल के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर चले और यहाँ पर है, ये दो रूप आ गया। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो काल के अनुसार आंसर कौन सा आएगा, ए नंबर। केबीसी का सवाल है, गड़बड़ हो रहा है यहाँ से। बेटा वो आपको दुकानदार बताएगा कितने का है, नहीं आना चाहिए था, चले वो वाला पार्ट था, ए आंसर था, बट इसमें बहुतों के आंसर डी भी थे। जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया को संयुक्त वाक्य में बदलो। काल को देखना है, वैसे इस बार आपने बहुत अच्छे से सोच समझ करके जवाब दिया और ये चीज आपने सुनी कि कैसे है, मतलब आपने बहुत ज्ञान लगा करके दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आए ना तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। इसमें जो मॉडल टेस्ट पेपर है 140 अंक के आधार पर है, 60 क्वेश्चन वाला है, 15 पेपर है, हिंदी का ही है। सी आप मुझे बता रहे हैं जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया को संयुक्त वाक्य में बदलो, इसका मतलब ये मिश्र का है और इसे आपको संयुक्त में बदलना है। तो वर्षा शुरू हो चुकी थी इसलिए मोहन आ चुका था, ये था यहाँ पर, ये है ना, मैं यहाँ हटा देती हूँ, वर्षा शुरू होगी और मोहन आ जाएगा, ये तो हट गया क्योंकि और रूप। अच्छा संयुक्त में तो पूछ ही रहा है, सॉरी मैं सोचा मिश्र में पूछ रहा है। हाँ तो ये भी इसलिए आ गया यहाँ पर, इसलिए और यहाँ और ये नहीं आएगा, तो तीन है यहाँ तो योजक शब्द। अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, ए और सी। दिमाग से बताया था, ये तो क्वेश्चन भी दिमाग से ही बनाए हुए हैं। ए बहुत बता गए, आप कह रहे हैं सी आ रहा है। अब आप देखो आप ध्यान नहीं देते हो। हेलो माही, अगर हम बात करें, ये कह रहा है जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया, ये है आपका सेंटेंस। आप में से कुछ कह रहे हैं वर्षा शुरू हो चुकी थी इसलिए मोहन आ चुका था थे थी, और वहां पर तो वो था ही नहीं, तो इसका मतलब ए तो नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात ये आ जाएगा, गा यानी भविष्य काल है, इसका मतलब ये भी नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ आप जल्दबाजी मत करना वाक्य में, ये गलत नहीं होगा, अगर काल पर ध्यान दोगे तो सही हो जाएगा। अब आप सही पर पहुंच गए हैं, आ गया सेम काल ध्यान रखोगे। मैंने आपको अभी समझाया था कि बेटा आप अगर योजक, ये मैंने इसीलिए ली क्लास, अगर वाचक शब्द देखोगे तो तीनों में आपको दिखेंगे संयुक्त के, फिर भी आंसर तो एक ही देना है ना, तो काल को ध्यान रखना है, अदरवाइज हम गलत हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो तीन नंबर, आंधी आते ही रेगिस्तान में रेत उड़ने लगी, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है। देखिए ये सरल वाक्य है, पहले मैं आपको ये बता दूं, और ये सारे ऑप्शंस एक्चुअली बनाए हुए हैं हाथ से। मतलब हम
पढ़ रहे हैं ना तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ईमानदारी की बात ये है, तब तो वो पढ़ाया हुआ काम का है, नहीं तो नहीं है। बेटा ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज ली है उसके क्वेश्चंस अलग हैं और जो मॉडल टेस्ट पेपर आया है उसके क्वेश्चंस अलग हैं। मैं आपको बता देती हूँ ये दोनों अलग अलग हैं, सेम क्वेश्चंस रिपीट नहीं है जो ऑनलाइन वाले हैं। ए आप बता रहे हैं आंसर, संयुक्त वाक्य में आपको बदलना था, इस बार आप दिमाग लगा रहे हैं, इसीलिए मैंने एक्चुअली ये चीजें ली आपकी कि आपको मैं बता सकूं कि हाँ आप रटेंगे नहीं और ऐसे जब एक से ज्यादा उदाहरण मिलेंगे तो कैसे एक उत्तर आपको छांटना है, इसमें आपको बिल्कुल परफेक्ट बनना है। तो यहाँ देखो आंधी आई थी, ये तो थी है तो मतलब गई, ये तो ये आएगी और लगेगी यानी गया, ये आई और यहाँ उड़ने लगी सेम रूप है, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, एक नंबर। बहुत अच्छा समझ में आ गया है, मुझे लगता है अब आपसे गलतियां ये नहीं होंगी, आप ध्यान से आंसर दे पाएंगे। बच्चों के शोर मचाने पर पक्षी उड़ गए, संयुक्त वाक्य में आपको बदलना, ये बिंदु नहीं आएगी यहाँ पर, है ना, देखो जरा। यहाँ बच्चे पर भी बिंदु नहीं आएगी, देखे क्या आंसर आपके आते हैं। चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, और जो आप लोग बच्चे वाच्य की कह रहे हैं आप टेंशन मत करो, मैंने दिया हुआ है वाच्य पढ़ेंगे हम लोग, वेरी गुड। सबसे पहली बात सरल वाक्य है, संयुक्त में बदलना है, अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। यहाँ पर तीन सेंटेंस हैं, यहाँ था थी वाला पार्ट है तो इसका मतलब गया, यहाँ रहा था और गए थे तो गया, ये शोर मचाया और उड़ गए, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, चार नंबर। शहर जाने पर राम मलेरिया से पीड़ित हो गया, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है, मलेरिया पर से बिंदु हटा दो और तो कहीं नहीं लगा। देखो शब्द शक्ति में अर्थ आएगा तो कर पाओगे, बाकी तो नहीं कर पाओगे, पद्य में अगर आया तो। देखो सीधी बात ये है, किसकी जानकारी नहीं है आपकी, कौन है भाई ये, किसके लिए फोन किया था, बी आंसर आप दे रहे हैं। ओके शहर जाने पर राम मलेरिया से पीड़ित हो गया, तो अगर बात करें इसे आपको संयुक्त वाक्य में क्या करना है, बदलना है, राम शहर गया था तो थी कर दिया, ये तो चलो मिस प्रिंट भी मान ले हम था, बट था थी तो है ही नहीं, राम शहर गया और मलेरिया से पीड़ित हो गया, तो ठीक है आगे देखते हैं। राम शहर गया और मलेरिया से पीड़ित हो चुका था, ये गलत हो गया, शहर जाने के कारण ये तो है ही नहीं, तो बिल्कुल आंसर बी। सेनानी की बातें सुनकर, सुनकर पर ऊपर बिंदु नहीं है, छात्र जोश से भर उठे, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए, संयुक्त में आपको बदलना है। वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। सी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी की ओर भी जा रहे हैं। बेटा ऑनलाइन पर फोन करके आप पूछ लो, बस अभी मैं वापस से आपको नंबर दिखा दूंगी, आप फोन करके पूछ लो कितने का है ना,
सी आप लोग बता चुके हैं, देखते हैं एक बार। सेनानी की बातें सुनकर छात्र जोश से भर उठे। संयुक्त वाक्य में आपको बदलना है, यहाँ तो योजक ही नहीं है। जब छात्र तो जब तो ये तो है ही नहीं संयुक्त में। छात्रों ने सेनानी की बातें सुनी और जोश से भर उठे, तो ये और आ गया, तो ये सही है। ये जोश यहाँ गलत है, कोई बात नहीं, ऊपर सही लिखा है। वह धन कमाने के लिए शहर गया। निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। संयुक्त में आपको बदलना है। कम्युनिटी में डाला हुआ है। कब कब क्लासेस हैं आपकी रीट की? ओके मनीषा, लेट हो गए, कोई बात नहीं। अब तो आंसर्स पर ठीक है, बट कुछ बच्चे इसमें भी डी और ए पर हैं, तो यानी कुछ का अलग भी उत्तर आ रहा है, डी भी बता रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ से ए और डी। काफी बच्चे डी पर आ गए हैं, कुछ सी पर भी आ गए हैं, तो इसका मतलब डी कैसे है, कई जगह गड़बड़ है ये यहाँ पर। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं इसके अंतर्गत। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वह धन कमाने के लिए शहर गया, ये आपका क्या है यहाँ पर सेंटेंस है। इसे आपको किस में बदलना है बच्चों? संयुक्त वाक्य में। अब संयुक्त वाक्य की यहाँ से बात करें तो एक तो ये आया इसलिए, क्योंकि, क्योंकि तो मिश्र में है, तो डी क्यों कर रहे हो आप? मैंने आपको बताया तो था कि क्योंकि का प्रयोग किसके अंतर्गत होगा, आपके डी के अंतर्गत। ये देखो तो सही, आपने ये योजक शब्द ध्यान नहीं दिए क्या? ये याद नहीं रहेंगे तो वो तो कोई भी रूप दे देगा वहां पर। ऐसा थोड़ी है कि हमने जो पढ़े हैं वही चीज वहां पर वो लेकर के आएगा। तो डी तो गया, डी वाले क्यों लेकर आ रहे थे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब आंसर कौन सा हुआ? एक नंबर। अगला प्रश्न, निराला जी द्वारा रचित कविता सभी को पसंद आई। निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में आपको बदलना है, जल्दी जल्दी। हाँ वाच्य होगा ना, वहां पर बताया है ना आपको। ए और बी आंसर है। ये कौन है जो और नंबर मांग रहा है? मैं पूरा पढ़ नहीं पाई आपका मैसेज, किसके लिए है और किस है उसके हिसाब से मुझे तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। बी आपका आंसर आ चुका है, ए भी बताया है, बी बता रहे हैं लगभग। निराला जी द्वारा रचित कविता सभी को पसंद आई। निराला जी ने कविता लिखी जो सभी को पसंद आई थी, ठीक है। ये तो थी हो गया और जो है तो मिश्र में थी। आगे देखते हैं, जो कविता निराला जी द्वारा रचित है वह सभी को पसंद आई। ये भी जो है मिश्र है, लेकिन काल सेम है, इसमें काल सेम नहीं था, इसका मतलब ये तो गया। जो कविता निराला जी द्वारा रचित है वह सभी को पसंद आएगी, आएगी यानी ये भी गया और ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यही काल सेम है, तो दो नंबर। ये आपके ऑब्जेक्टिव बुक आप ले सकते हैं, वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र की। अगर मैं बात करूं इसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, नवोदय, केवीएस, डीएसएसबी के लिए है ये बुक, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। यही वह छात्र है जिसने नाटक में अध्यापक की भूमिका निभाई। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में आपको बदलना है। देखो जरा इसमें, रीट के मेथड की बुक तो ऑलरेडी प्रियंका पहले से है ना, आगे अच्छे से समझ में उषा टॉपिक, बहुत ही अच्छी बात है।
अरे 3 दिन तो फिक्स है बेटा, दीक्षा है या कौन सी बच्ची बताए ना, आप कम्युनिटी में देख लो कब कब क्लासेस हैं बेटा। मंगलवार बृहस्पतिवार शनिवार तो फिक्स है ही, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये 3 दिन तो है ही है, 3 क्लास वीक में। सी आप आंसर दे रहे हैं जो बिल्कुल सही है कि यही वह छात्र है जिसने नाटक में अध्यापक की भूमिका निभाई थी, मिश्र है और सरल ने बदला है, तो इसी छात्र ने नाटक में अध्यापक की भूमिका निभाई, तो बिल्कुल सेम टू सेम ये इसका आंसर 3। हाँ, बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया और भारत मैच जीत गया, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। ये प्रदर्शन अशुद्ध है, संयुक्त वाक्य है, इसको सरल में आपको बदलना है, ठीक है। सी और डी आंसर दे रहे हैं, लगभग बच्चे डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी भी बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ सबसे पहली बात, बल्ले बजाएगा ये तो हट गया है ना, ये क्योंकि हो गया तो मिश्र हो गया तो ये हट गया, ये है संयुक्त वाक्य। बाकी बट काल का ध्यान रखना है, ये जिससे आ गया तो ये भी सरल में नहीं आता, तो इसका मतलब एक ही आंसर है, और जीत गया सेम रूप है काल का भी। बादल घिरने के बाद भी वर्षा नहीं हुई, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। सारे क्वेश्चंस ये बनाए हुए हैं, हाँ प्रियंका आप बहुत जानना चाहते हैं, काफी बच्चे जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में बताओ ना, आप अपने बारे में बताओ ना। कब है संस्कृत विभाग वाला, संस्कृत विभाग वाली डेट आई है शायद जनवरी में तो है नहीं आप लोगों का। ए आंसर है इसके अंदर, बी बता रहे हैं कुछ बच्चे। बादल घिरने के बाद भी वर्षा नहीं हुई, इसे संयुक्त में आपको बदलना है। देखो ये तो क्योंकि गया, तो क्योंकि तो हट गया, परंतु संयुक्त के अंतर्गत होता है, परंतु संयुक्त में होता है, इसलिए भी संयुक्त में होता है। नहीं हुई तो ये हुई थी, इसका मतलब 4 भी गया, ऐसे हटाना है। अब बच्चे 2, बादल घिरने के बाद भी वर्षा नहीं हुई, स्लैश तो सेम है, ये देखो घिरे नहीं या नहीं है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं आएगा, और आंसर कौन सा आ जाएगा, 1 नंबर। हाँ दलपत आप बहुत बहुत लेट हो गए। आगे देखिए, जादूगर का खेल देखकर लोगों ने तालियां बजाई, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में आपको बदलना है। ऑनलाइन वाला ऑफिस कहाँ है, मैं जहाँ से क्लास ले रही हूँ चित्रकूट से ले रही हूँ, वैसे दिल्ली से है ही अपनी पूरी की पूरी, बताओ मिलना है। कई बच्चे कहते हैं ऑफिस में आ जाएंगे वहां पर आपसे मिलना है। डी ओके, बी भी बता दिया, ए भी कहे देखो लोगों ने जादूगर का खेल देखकर तालियां बजाई, ये तो है ही नहीं, ठीक है। देखा था इसलिए, इसलिए होता तो संयुक्त है, लेकिन था थी आ गया इसलिए ये हट गया, इसमें योजक शब्द है ही नहीं। यहाँ है और, देखा और बजाई, इसका मतलब आंसर 4 नंबर। अकबर के अत्याचार के सामने राणा प्रताप नहीं झुके, निम्नलिखित वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। सेंटेंस है, अकबर के अत्याचार के सामने राणा प्रताप नहीं झुके,
इसको आपको संयुक्त वाक्य में बदलना है। पच्चीसवां प्रश्न आपके लिए, सी आप आंसर दे रहे हैं, सभी का ही सी आ रहा है इस बार, तो बहुत होशियार हो गए अब तो। एक्चुअली आपकी जितनी गलतियां हो सकती थी वो सारी तो मैंने बताई दी, अब आप है ना चैनल सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो सभी जगह पहुंच जाना चाहिए, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो अकबर के अत्याचार के सामने राणा प्रताप नहीं झुके, संयुक्त वाक्य में आपको बदलना है। इसमें तो है ही नहीं कोई योजक शब्द, ये मिश्र का हो गया तो ये हट गया, परंतु एक में ही है और ये नहीं झुके इसके अंतर्गत है, तो सेम आंसर सी। मैंने एक लाल गुलाब देखा जो बहुत खुशबूदार था, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। गड़बड़ फिर भी सरल वाक्य के अंतर्गत ही होगी। वेरी गुड समीरा, बस एग्जाम में डेफिनेट है आपके एक से दो क्वेश्चन तो यहां से होंगे होंगे। हाँ लाइक भी करनी है सभी को, शेयर भी करना है क्लास को, वैसे तो बिना कहे ही कर देना चाहिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए। सी 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 ओके, तीन टेस्ट आपके होंगे ही यहाँ पर पूरे सिलेबस के हिसाब से, तो सी आपका जवाब आ चुका है। देखो ये तो हट गया इसलिए है, और जो और वे तो ये भी हट गया। अब यहाँ देखो लाल गुलाब खुशबूदार होते हैं, एक तो ये है, और मैंने एक लाल खुशबूदार गुलाब देखा, तो देखो ये गुलाब देखा, ये होते हैं, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, सी नंबर होगा, बी नहीं, होते हैं नहीं, ये तो काल ही बदल जाएगा, तो गुलाब देखा। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी और भीड़ तीतर बीतर हो गई, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। पूरे सिलेबस वाली टेस्ट सीरीज आ चुकी है ऑनलाइन, आप ले सकते हैं, 249 की है। हिंदी का पेपर तो अलग से होता है ना, 140 अंक का, डी और सी और बी, वो इसमें तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, डी, अब डी डी आने लगा है। तो बात करें यहां पर ये वाक्य कौन सा है, संयुक्त, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है, तो ये तो हुआ संयुक्त वाक्य। अब बात करें यहां से, तो भीड़ तीतर बीतर हो गई, जब तो जब आया है, ये तो है ही नहीं, मिश्र का है, वो पूछ रहा है सरल, जिससे आ गया तो ये भी गया। पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़ने पर भीड़ तीतर बीतर हो चुकी थी, और चुकी थी हो गया, और हो गई यहां पर आ गया, तो बिल्कुल आंसर डी। जब पीटी अध्यापक ने सीटी बजाई तब सावधान हो गए, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। मिश्र ये वाक्य है आपका, और इस मिश्र वाक्य को आपको बदलना है किस में, सरल वाक्य में। हाँ बी सी काफी बच्चे बोल रहे हैं। यहाँ बात करते हैं मिश्र वाक्य, इसको सरल में बदलना है। देखो इसलिए वाला तो आएगा ही नहीं, ठीक है, ये है ही नहीं। अब हमारे पास ये दो बच्चे, इसमें देखो ये क्योंकि आ गया,
जब क्योंकि के साथ इसलिए तो वो संयुक्त नहीं है, क्योंकि आते ही मिश्र का रूप हो जाता है, से ये हट चुका है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी वो सरल पूछ रहे हैं तो ये तो योजक शब्द है, अपने आप ही हट जाना चाहिए। तो पीटी अध्यापक के सीटी बजाने पर छात्र सावधान हो गए। कुत्ते भौंकने लगे तब चोर भाग गए। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। अच्छा, एक भी रॉन्ग नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। बी ए सी, अरे भाई इसलिए तो आएगा ही नहीं, और नहीं आएगा, जब के साथ तब नहीं आएगा, सरल पूछ रहा है ना। ए आंसर है। गली में शोर हुआ जो, परंतु उसकी नींद न खुली। सरल वाक्य में आपको बदलना है। नहीं, क्यों होंगे एग्जाम हाल में गलत। एमपी वर्क का सेकंड बैच बना दे बेटा, आप साहित्य तो वहीं से ले सकते हो जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का है। सी आप आंसर दे चुके हैं। नींद न खुली, तो न खुली ठीक है, यहां इसलिए आई गया, ये जो आ गया ये खुल गई है, तो ये आंसर है ने खुली। जब गीता ने मुझे समझाया तो मैं मान गया। निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है। मैंने सारे रूप बदलवा लिए आपको, सरल में भी परफेक्ट हो चुके हो, संयुक्त में भी, मिश्र में भी। लाइव बैच एमपी वर्ग का फिर जब शुरू होगा तो 8 तारीख के साथ ही होगा, जब अपने यहाँ का शुरू होगा, जो सिलेबस सेम है वो हम एक साथ कर लेंगे। मॉडल पेपर आपको अवेलेबल हो जाएंगे बेटा, आज ही आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका आंसर सही है, सरल वाक्य में पूछा था, ये तो दोनों गए। दूसरी बात, समझाने पर मैं मान चुका था, वैसे ही चुका था आ गया, और मान गया ये, तो ये आंसर। ये आपके तृतीय श्रेणी की थ्योरिटिकल और शिक्षण विधियों की पुस्तक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। ये आपका रीड का मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसमें 15 मॉडल टेस्ट पेपर हैं ये आपके, और इसमें वो क्वेश्चन नहीं है जो ऑनलाइन अपने टेस्ट सीरीज चल रही है, अलग है। आपको अगर ये मंगवाने हैं ऑनलाइन तो यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए हैं, आप इनसे बात करके मंगवा सकते हो, अपने बुक सेलर को कह सकते हैं मंगवाने के लिए, वह आपकी इच्छा है, बिल्कुल जल्दी से क्लियर हो जाएंगे ठीक है ना आपके टॉपिक्स। फिर तो पूरे टॉपिक वाइज पर ही ये बनी हुई है, तो अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। बिल्कुल वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी। राम राम सा।